नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सुमन। तो आज जो है कि आप लोगों से शेयर करना, ये जो स्पैंगल बजी था जिसका मैं प्रोग्रेस शेयर किया था, मतलब एक देने का, और मटकी जब लगा था तब दिखाया था और ये उड़ गया था मेरे पास अगले साल था, वो भी स्टोरी क्या कैसे मुझे मिला, कैसे उड़ गया था, ये सब कुछ शेयर किया था। आज आप शेयर करेंगे कि जो मैं एक दिया था पिछले वाले वीडियो में स्पैंगल बेजी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, तो उसमें एक दिया था, तो एक में से कुछ बच्चे भी निकले हैं, वही आज आप लोगों से शेयर करना है। और बहुत ही खूबसूरत है, बच्चे बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो जो जितने भी लोग जानना चाहते थे कि बर्ड्स दो बर्ड्स को छोड़ने कब वो पेयरिंग लगाती है, जोड़ी बनाती है, कब वो एक देती है, एक में से बच्चे कब निकालते हैं, तो इस ये वीडियो का ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो बात है कि बहुत से लोगों को ये हेल्प करेगा कि हाँ इतने दिनों बाद ही पेयर बनता है, अडल्ट पेयर का एक देती है, एक में से इतने दिनों बाद ही बच्चे निकालते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कितने दिनों बाद बच्चे निकलती है, ठीक है, तो इतने दिनों बाद बच्चे निकलते, आप वीडियोस को डेट वाइज देख कैलकुलेट भी कर सकती है, ठीक है, कि कितना दिन लगा मुझे ये, मतलब इसमें से बच्चे हुए हैं, ठीक है, चलिए देखते कितने बच्चे हुआ है, वो भी दिखाते हैं। दो तीन अंडा था और दो तीन बच्चा होगा आई थिंक। और ये मेल देख सकते, बहुत ज्यादा एक्टिव मेल है, ये एंटीमिंग टाइप थोड़ा सा मेल है ये, मतलब डरता नहीं मुझसे देख के। तो वीडियो पूरा देखिए, आशा करता है सभी दोस्तों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और कुछ मोटिवेट भी मिल पाएंगे जिनका ब्रीडिंग, मतलब बच्चे करने का सोचते हैं बट नहीं होता, या फिर टाइम बहुत ज्यादा लगते हैं, बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं बड़े होते होते बजीज का, या फिर बजीज का शौक स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं शौक को, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, मतलब आप भी देख के कुछ सीख पाएंगे। चलिए वीडियो पूरा देखिए, आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को वीडियो बहुत ज्यादा मजा आएगा, पसंद से देखेंगे, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जैसा भी स्पैंगल बजीज का ब्रीडिंग कराना चाहते हैं या फिर शेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है।